एंड वेलकम एंड हैप्पी दिवाली. आप देख रहे हैं E24 एंड न्यूज 24. आपके साथ मैं हूं नम्रता शर्मा. कभी किसी ने सोचा था गुरुग्राम की गलियों से निकलकर दिल्ली की यूनिवर्सिटी से पढ़कर एक लड़का मुंबई पहुंचेगा और अपने सपनों को साकार करेगा. कभी कायपोचे कर, कभी स्त्री से लड़कर, कभी जजमेंटल होकर उसने ऑडियंस के दिलों पर जो छुरियां चलाई हैं, अब ये जनाब पहुंचे हैं चाइना जुगाड़ करने के लिए या फिर वहां से जुगाड़ लाने के लिए, ये तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा. प्लीज वेलकम राजकुमार राव. थैंक यू सो मच. और उनके साथ गोल्ड स्टार अगर हम कहें तो कहना गलत नहीं होगा. ऑब्वियसली बॉलीवुड में गोल्ड से उन्होंने डेब्यू किया था, मोनी रॉय. प्लीज वेलकम मोनी रॉय. थैंक यू. एंड हमारे साथ डॉक्टर वर्दी सेक्सोलॉजिस्ट मौजूद हैं, बमन ईरानी. बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का. सबसे पहले तो राजकुमार ये बताइए, अगर साइड में ऐसी खूबसूरत नागिन बैठी हो तो मन करता है ना कि डस ले? नहीं नहीं नागिन कितनी भी खूबसूरत हो डस बिल्कुल मन नहीं करता कि वो डस ले. अच्छा लगता है साथ में बैठी है, पर वो नागिन अभी रहे, अभी वो नागिन थी. अभी वो उसके बाद रुक्मणी हो चुकी है, रॉक गोल्ड बनी है. उसके बाद वो रुक्मणी बनी, वो रघु की रुक्मणी है इस फिल्म में. तो वो रुक्मणी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, वो बहुत ही पूरे फैमिली को साथ में लेके चलती है. वो ना हो तो फैमिली भी ना हो, तो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि वो चाहे नागिन हो चाहे रुक्मणी हो कि वो डस. बिल्कुल. अच्छा आप एक ग्लैमरस हाउसवाइफ, जितना मैं ट्रेलर से समझ पाई हूँ ग्लैमरस तो आप हैं, हाउसवाइफ बनने के लिए आपने कितनी मेहनत की? वेल प्लीज डोंट लाफ, आई नेवर लाफ यू. सो हमारे डायरेक्टर जब निखिल सर, उनसे पहली बार मिली थी मैं, तो उन्होंने मुझे बताया था कि रुक्मिणी एक ऐसी लड़की है, पूरी टीम हंस रही है. सर आई डोंट नो व्हाट टू डू, यू गाइस हैव टू बेयर विद मी. वी हैव टू क्लेरिफाई बिकॉज़ क्या है, हम लोग इतने जोर से इंटरव्यू कर रहे हैं. नेक्स्ट सवाल यही था कि एक सवाल आपसे बार-बार पूछे, अब तेज दिन एग्जैक्टली और रोज रोज, इट्स नॉट लाइक कि 3-4 दिन का गैप होता है. तो आजकल जैसे मैं आंसर देना शुरू करती हूं तो सब हंसने लगते हैं. मैं हंसा सर, आप दोनों नीचे देख रहे थे ऐसे. तो आप अपने किरदार के बारे में बताइए. रुक्मिणी एक हाउसवाइफ है, वो बम्बई में पली बढ़ी है, एजुकेटेड है, इंडिपेंडेंट है. तो मेरे और आप जैसे बात करती है तो गुजराती एक्सेंट नहीं है, तो उनको थोड़ा सा जैसे मिकेश सर ने मुझे बताया था कि उनके ऐसे एल्डरली फ्रेंड्स थे, कपल थे जो बिल्कुल रघु और रुक्मिणी जैसे थे. तो ऐसा उन्होंने मुझे एक रेफरेंस देके बोला था कि वो दोनों इस तरह के हैं कि ये गुजराती में बात नहीं करती, इतना नॉर्मल है. पर जो मैनरिज्म्स होते, जैसे मैं बंगाली हूँ तो मैं, मेरे में सर्टन चीज़ें बहुत ज़्यादा बंगाली है. मैं एनिमेटेड हूँ एंड यू नो द वे आई टॉक वॉक ईट सो सिट, सो उन सब चीज़ों पर ज़्यादा काम करना पड़ा मुझे. तो मिखेल और करण हमारे राइटर, तो उन्होंने दोनों ने मिलकर मुझे 5-6 दिन 7 दिन मेरे साथ बैठे, मेरे साथ लाइंस किया, मुझे मैनरिज्म समझाई. सो या फाइनली नहीं, मैं नहीं बोल यूज कर रही हूँ. kind of like a mini workshop with a mini workshop Mikhil and Karan. ये पहली बार जब मैंने ये शब्द बोला था तो इन लोगों को बहुत अच्छा लगा. अब इन्होंने उसका ये बार बार अब चला, बार बार जब बोलती गई प्रॉम्प्ट है, अगर वो भूल जाती है तो हम फर्ज बनता है हमारा. अच्छा सर आप और सेट पे मुझे राज ने बहुत सारी हेल्प की. वो मेन था. अच्छा मैं बढ़ूँ आगे जी. हाँ तो सर आप सेक्सोलॉजिस्ट बने, ये तो ट्रेलर से साफ हो रहा है. और कुछ अपने किरदार के बारे में बताइए. ओल्ड सेक्सोलॉजिस्ट बोला उन्होंने. ओल्ड बोला आपने? ओल्ड कहा? हाँ इनको ओल्ड कहा. बोला उन्होंने? She said old, yeah. I heard it. बोला उन्होंने? सर बोला नहीं, मैं वो पार्ट कट करवा दूंगी. आप बेफिक्र रहिए. ऐसे बोला सर उन्होंने, मैं वो पार्ट कट करा दूंगी, आप बेफिक्र रहिए. सर पर बोला, मैं कह रहा था दैसे दाड़ी बढ़ा के मत घूमो आप, यू लुक सो सेक्सी हैंडसम. हां शेव करके. इट्स माय सेल्फ इन द नेम ऑफ द फिल्म. प्लीज रिपीट द क्वेश्चन. ट्रेलर से आपका किरदार समझ में आ रहा है, फिल्म में आपका कैसा किरदार होगा थोड़ा इलैबोरेट कर दीजिए. हैशटैग वी वर जोकिंग. हां हैशटैग यू सेड ओल्ड राइट? No, I didn't. You said old. No. Right? Please admit it. आप झूठ मत बोलिए. Hashtag he is joking. Hashtag you said old, right? Hashtag let's move on. 5 more to go. Hashtag oh 5 more to go. Let's go. आपने old नहीं कहा. मैंने नहीं बोला. ये बदमाश लोग ने. हाँ. सर उसने बोला, मैंने क्या बोला? मैंने लोग मतलब he is a multiple बदमाश, not you, dear. No. आपने नहीं बोला. I'm trying to strap him, but yes, I am an old man, as you can see, white hair. And yes, I'm a sexologist who gives advice to young couples. Bedroom problems. Bedroom problems ho, and they need to be. Why only bedroom? Why can't like
these be like drawing room problems? Oh, it's a family show. Please, when I'm talking, they should not interrupt. Okay. Sorry. Yeah. So mean and rude. Sorry, yeah. So mean. Hashtag I'm joking. But तो बोलने का मतलब ये है और मैं एक कोई ओरिजिनल बात कहने जा रहा हूँ आप लोग सुनिए गौर फरमाइए कि अगर किसी को दिल का प्रॉब्लम हो हार्ट प्रॉब्लम हो तो वो कार्डियोलॉजिस्ट अगर किसी को ईयर नोज एंड थ्रोट का प्रॉब्लम हो तो ईएनटी के पास जाएगा तो अगर किसी को वैसे ही अगर आपको कोई डिसफंक्शन इन द बेडरूम हो यू विल गो टू अ डॉक्टर लाइक अ सेक्सोलॉजिस्ट बोलने का मतलब ये है इट इज इम्पोर्टेंट इट्स अ गुड सोशल मैसेज एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट दिस फिल्म इज एड्रेसिंग इट आप कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं ना मैंने ट्रेलर से जितना फिल्म का ये सब्जेक्ट जो है ये यहाँ पर ये कहना बहुत जरूरी है मैं बताना चाहूंगा कि कवि ने क्या इसकी प्रसंग और व्याख्या की है कवि यहाँ कहना चाहता है अच्छा। कि फिल्म की जो कहानी है वो बहुत यूनिक है क्योंकि ये कहानी एक्चुअली जर्नी है एक मिडिल क्लास स्ट्रगलिंग गुजराती बिजनेसमैन लाइक सो मेनी ऑफ अस हम सब जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो ही इज वन ऑफ दीज गाइज ओनली और वो इस चक्कर में उसने बहुत बिजनेस आइडियाज ट्राई किए हैं देन हाउ ही लैंड्स अप इन चाइना और वहां से वो एक सीक्रेट फॉर्मूला कौन से आइडियाज कौन से जैसे उसने ईमू के अंडे बेचे हैं स्क्वायर शेप तरबूज बेचे हैं चटाई बेची है स्क्वायर शेप तरबूज अहमदाबाद में सोचता है कि दिस कैन बी द मेन आइडिया नाउ एंड हाउ ही स्टार्ट्स दैट जर्नी वेयर ही मीट्स डॉक्टर वर्दी और कैसे दोनों साथ मिलकर उस आइडिया को बढ़ाते हैं अपना बिजनेस प्लान बिजनेस शुरू करते हैं उसमें फिर केओस ड्रामा कॉमेडी एवरीथिंग अच्छा जब कॉलेज लाइफ आप तो खैर उसको बहुत टाइम पहले जी चुके हैं बहुत टाइम पहले बोला आपने कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होता बट they're rubbing it in man they're soaking it ठीक है हम सब ने कॉलेज लाइफ जी है आपने मैंने you're right लेकिन मैंने बहुत पहले की नहीं आप छोड़ दीजिए ना उस चीज को उसको भी मेडिट करवा दो हैशटैग में जोक मैं रियली हैशटैग में जोक क्या हां सो डू लाइक दिस देन हैशटैग जोकिंग बोलो हैशटैग आई वाज जोकिंग इसको भी मैं कटवा दूंगी तो क्या बच क्या रह जाएगा फिर इस इंटरव्यू में इसको भी काटूंगी इसको भी काटूंगी दे वांट सीरियस इंटरव्यूज ओके यू वांट सीरियस इट्स अ किस्म का है इट्स नॉट लाइट हार्टेड थोड़ा सीरियस करते हैं अब मिस्टर कैमरामैन सर लेट्स गेट सीरियस कम ऑन ही इज सीरियस इट्स सीरियस या अच्छा तो सबने कॉलेज लाइफ जिए एक ना मिथ था मेरे साथ तो था मेरे बहुत सारे कॉलेज आप कौन से कॉलेज में पढ़े मैं मेरठ से सीसीएस यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय आपके उसमें मिथ था कॉलेज में चौधरी चरण सिंह में एक दिमाग में एक चीज थी कि किस करने से प्रेग्नेंट हो जाते हैं जी उस टाइम पे नहीं मैं पहले मिरांडा हाउस में पढ़ी हूं वहां पे नहीं होते फिर जामिया में नहीं नहीं मैं तो हुआ हो चुका हूं आई गेस आई गॉट प्रेग्नेंट वंस आई किस रियली ये भी मिथ था ऐसा कि मैं भी हो जाऊंगा हैशटैग मेरे साथ रिपीट कीजिए joking hashtag repeat कीजिए बोलो no say hashtag a very bad joke हाँ exactly very bad आपने कहा चौधरी चरण सिंह में मिथ था हमने कुछ बोला आपको एक परसेप्शन होता है जब हम टीनेज के बच्चे होते हैं कि अरे यार किस करने से प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो वो मेरा सवाल बहुत सारी चीजें क्या ये हकीकत नहीं है हां ऐसा नहीं होता है आपने चक्कर में आते नहीं होता है ऐसे नहीं होता है चक्कर में आते यू आर अ डॉक्टर सर इट्स अ सीरियस इंटरव्यू दिस विल नेवर एंड प्लीज बोथ ऑफ यू या वी हैव टू गो फाइव मोर सॉरी सर लेट्स गो लेट्स गो सो ऐसे ही आपको यू मेड लाइक ब्लूपर्स ऐसे बहुत सारे मिथ हैं हमारे यहां तो यू नो कई बार लोग बोलते हैं कि जब ऐसे नया जब ऐसा यू नो एड्स व्हेन वाज इंट्रोड्यूस लोग लगता नहीं हाथ मत मिलाओ एड्स हो जाता है तो किसी को हेल्प करो तो एड्स हो जाएगी हो जाता है तो आई थिंक दीस आर जस्ट स्टूपिड पीपल यू नो दोस हु थिंक लाइक दैट बट ये हां बचपन में नॉट स्टूपिड इग्नोरेंट इग्नोरेंट पीपल आई थिंक वो बचपन में डराने के लिए बोलते हैं मे बी कि शायद नहीं ऐसा मतलब या फिर वो लैक ऑफ एजुकेशन की नहीं समझ लैक ऑफ एजुकेशन है इग्नोरेंस है कुछ लोग कभी बोलते हैं कि मोर के आंसू पीने से मैंने कहीं सुना था कि मोर नहीं प्रेग्नेंट हो जाता हां ये भी मैंने सुना है एक बार हां या I guess it's important to include that in our syllabus somewhere. ये भी मैंने पहले बोला, so then don't laugh at me.
वी कीप टॉकिंग अबाउट यू नो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इट्स इट शुड बी लाइक लड़कों को मतलब दोनों लोगों को पढ़ाओ यू नो इट्स नॉट जस्ट वन पर्सन सेक्स एजुकेशन इज समथिंग दैट्स लाइक रियली रियली इंपॉर्टेंट इन आर कंट्री स्पेशली एंड फ्रॉम अ वेरी यंग एज सो दैट देर इज अवेयरनेस लाइक यू नो वाइल यू आर ग्रोइंग अप वैन यू आर ऑकवर्ड एंड यू आर गोइंग थ्रू issues you're able to actually go out there and talk about it and discuss it with the right people I'm not saying go out there and like you know announce it to the world but that is something the awareness is something that we are lacking in yeah nice see this is what she wants she wants serious. Us to be very serious no, and intellectual very serious now sir I'm nice. Very serious now me too अच्छा ट्रेलर में परेश रावल और आपने कस्टमर की डेफिनेशन चेंज कर दी हम तो कस्टमर को भगवान समझा करते थे उन्होंने किया उनसे बात करो आप उनसे सहमत हुए ऑफ कोर्स वो मेरे मेंटर है ओ हम होते नहीं है क्या हम सब मतलब देखिए आप ऐसा आपके साथ कभी नहीं हुआ कि आपने कोई चीज खरीद ली हो और आपको लगा बाद में शेट यार आपने ऐसा कभी नहीं किया कि जो ड्रेस पसंद आई है उसको तीन कलर में खरीद लिया पार्लर में गए जो शैम्पू की जरूरत भी नहीं है वो लेके आ गए हेयर स्ट्रेट ना हेयर परफ्यूम की बात कर रहे हैं ये जो हमें पता नहीं क्यों मुझे कभी भी जरूरत नहीं थी आया हुआ हेयर परफ्यूम और मैंने उसको एक बार से ट्राई करने के लिए लगा लेते हैं लगता है बाद में अरे यार ये तो मतलब लेना नहीं चाहिए था सो आई गेस या अच्छा आपकी फिल्में तो जनरली कंटेंट बेस्ड होती हैं और कंटेंट बेस्ड फिल्में ही चल रही हैं लेकिन इस दिवाली और दो बड़ी फिल्में आपके साथ बॉक्स ऑफिस पर आ रही हैं तो बॉक्स ऑफिस के हिसाब से लगता है कि कहीं ना कहीं एक कंपटीशन है फिल्म के लिए पहले तो मेरा मानना है कि एनीथिंग टू डू विद आर्ट उसमें एक कॉम्पिटिशन नहीं होता आई जेन्यूनली से दिस दूसरी बात एवरी फिल्म हैज इट्स प्लेस एंड इट्स ऑडियंस तो तीसरी बात कि हाउसफुल की टीम मेरी फैमिली जैसी टीम आई कैन नॉट विश देम इल आई वांट देम आल्सो टू डू वेल दिस इज माय फैमिली आई हैव बीन इन थ्री हाउसफुल फिल्म्स लाइक आई स्टार्टेड विद अक्षय सर सो इट्स एग्जैक्टली और वी आर फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री एवरी फिल्म शुड डू वेल ऐसा होना चाहिए लॉन्ग वीकेंड है दैट ऑल फिल्म शुड गेट देयर स्पेस देयर इज नो कॉम्पिटिशन हियर एवरी फिल्म शुड गेट देयर स्पेस And get the audience. I'll repeat his line now. We are a country of 1.3 billion. So I'm sure there are three films and we love watching films. So I hope that all three of them can find their own audience. अच्छा ट्रेलर में एक डायलॉग है आप दोनों का जहाँ पर आप इनसे आके पूछते हैं कि रुक्मणी तुम तो खुश हो ना अगर आप एक बार ऑडियंस के लिए बोल दे तो ऑडियंस को बोलो हाँ हमारी ऑडियंस E24 की ऑडियंस इनको बोलो ऑडियंस हाँ दोनों का वो डुएट जो डायलॉग है चलो अच्छा रुक्मणी जब हम करते हैं तो पूरी तरह से खुश हो जाती है ना ऐसे टॉप फ्लोर पे पहुंच जाती टॉप फ्लोर पे भी पहुंचती हूँ और वहाँ से व्यू भी एंजॉय करती हूँ इतने लिफ्ट बरोबर काम कर रही है लिफ्ट और लिफ्टमैन दोनों ओ रेणी